कर्ज में डूबे होने की वजह से कल्याण के महराल गांव में एक 45 साल के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में एक संशोधित जेल नियमावली में ये अधिसूचित किया गया, बलात्कार के मामले में दोषियों को जेल से छुट्टी पर जाने की नहीं दी जाएगी इजाजत। हवाई जहाज से आने जाने वाले और 5-स्टार होटल में रुकने वाले 5 शातिर चोरों को ठाणे क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। एक्सप्रेसवे और गोवा हाईवे पर 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की हुई मौत, जबकि अन्य 10 लोग गंभीर रूप से है घायल। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में सीनियर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर छगन भुजबल के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें किया गिरफ्तार। गिरगांव चौपाटी बीच पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम कराने की अनुमति देने की मांग वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने खुद पर लगे जमीन हड़पने के आरोप को किया खारिज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ब्रेड हॉज इंडियन प्रीमियर लीग की राजकोट फ्रेंचाइजी टीम के होंगे मुख्य कोच। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को पाकिस्तान ने कराची साहित्य महोत्सव में शामिल होने का वीजा देने से किया इनकार। शेयर बाजार में सेंसेक्स 83% से गिरकर 24,539.00 पर पहुंचा। निफ्टी 40% से गिरकर 7,455.55 पर पहुंचा, तो टर्नओवर पहुंचा 2,935.81 करोड़ पर। लगातार खबरें जानने के लिए डाउनलोड कीजिए मेरा इलाका एंड्रॉइड ऐप।